बीते एक साल में जब देश में दुनिया ने इतनी बड़ी महामारी देखी, पैंडेमिक देखा, कोविड नाम का, कोरोना नाम का, उस बीच में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कौन संतुष्ट है या नहीं है, ये देखिए केंद्र सरकार के कामकाज से कितने खुश रहे आप। बीते एक साल का आंकड़ा ये, 25 मार्च जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी 78% लोग खुश थे, लॉकडाउन 2 जब लगा 15 अप्रैल को तो 82% हो गया था, लॉकडाउन 3 जब लगा तो पॉपुलैरिटी केंद्र सरकार की 82% पे बनी हुई थी, जबकि ये कहा गया कि विपक्ष की तरफ से कि लॉकडाउन लगने से जनता परेशान हो रही है। लॉकडाउन 4 लगा तब भी 82% पर केंद्र सरकार की लोकप्रियता 18 मई तक बनी हुई थी, ये तारीख वाइज है, ये डेली ट्रैकर जो सी वोटर करता है उसके हिसाब किताब है। 78% अनलॉक 1 के 1 पर लोकप्रियता कुछ कम हुई, 82 से 78 पर आई। बिहार रिजल्ट के टाइम पर यस चुनौती मिली केंद्र सरकार को, 68% पे आ गई गिर के लोकप्रियता। और किसान विरोध जब हो रहा था अभी नवंबर के महीने में तब 68% से बढ़कर 71% हो चुकी थी। अब आगे देखिए तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर 66 हो गया जनवरी में। ये 26 नवंबर वो डेट है जब किसानों ने आके दिल्ली को घेरा, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर, इसलिए डेट को रखा गया। 71% थी और वो घटकर 66% पर 11 जनवरी को आ गई है, ये अब तक का ट्रैकर है। यानी किसान के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया, सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए गए। यशवंत देशमुख, मैं एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूँगा, केंद्र सरकार की लोकप्रियता के मामले में क्या कोविड काल में लोकप्रियता का बरकरार रहना या बढ़ जाना और किसान बिल पर आकर लोकप्रियता कम हो जाना, ये आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे यशवंत? है कोई बहुत बड़ी त्रासदी आती है तो ये ग्लोबल फेनोमिना है, जिस समय लोग अपनी सरकारों, अपने अगर स्ट्रांग लीडरशिप है तो उसके साथ में ज्यादा तेजी से खड़े हुए नजर आते हैं। ये ग्लोबली हमारी सर्वे में नहीं, बाकी सारे सर्वे में भी दुनिया भर में जो होते हैं वहां पर भी ये दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर है, लोकप्रिय है, ये कोई अब हेडलाइन नहीं रह गई समझ जी, ये वैसी बात हो गई है कि सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर है, इसमें क्या किया जा सकता है। उनकी लोकप्रियता के ऊपर कोई संदेह है ही नहीं, दरअसल वो अपनी लोकप्रियता के भरोसे भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को खींच रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं, ये हम आप सभी लोग जानते हैं। जो शायद अब इसमें, अभी मुझे पता नहीं आपने कितने आंकड़े दिखा दिए हैं या आप कितने दिखाने वाले हैं, मैं थोड़ा सा लेट आपको मैंने ज्वाइन किया, बाकी चैनलों पर आपके गया था इस कारण से, लेकिन जहां पे आप तो इस बात को आके अटाएंगे और जहां पे ये बात बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर होना तो ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाना जब सामने वाले एंड पे सचिन तेंदुलकर के कोई भी दूसरा बैट्समैन बैटिंग ना कर रहा हो और वो हर पांचवीं ओवर की पांचवीं गेंद पर सिंगल लेने पे मजबूर हो जाए, नरेंद्र मोदी जी की स्थिति वैसी भी होती जा रही है, जहां पे बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर वो भारत के सबसे ज्यादा अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स में शामिल होते जा रहे हैं, और कांग्रेस की स्थिति ठीक उल्टी है, कांग्रेस और अपोजिशन के सारे चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं लेकिन उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर हो रहा है, तो ये अजीब सा की पेट फंसा हुआ है। इसमें तीना फैक्टर भी हो सकता है, तमाम चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ये स्थिति ऐसी आनंददायक बीजेपी के लिए सुखदायक नहीं हो सकती, मैं नहीं मान सकता कि केवल प्रधानमंत्री की रेटिंग बहुत अच्छी आए और वो केवल प्रधानमंत्री के नाम पर जयकारा करते हुए केवल उसमें ही खुश हो जाए। ये स्थिति बीजेपी का किसी भी नेता चीफ मिनिस्टर यशवंत बहुत लंबे समय तक की है। मैं एक और आंकड़ा दिखाता हूँ, फिर पवन खेड़ा आपका रिएक्शन लूंगा क्योंकि आप मुझे लगता है बोलना भी चाह रहे हैं। अगला आंकड़ा है बीते एक साल का डेली ट्रैकर जो सी वोटर कर रहा है, पीएम मोदी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? पीएम मोदी का कामकाज, वो केंद्र सरकार का था, ये पीएम मोदी के नाम लेके है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ 25 मार्च को 80% लोग उनके काम के संतुष्ट थे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंकड़े रख दिया जाए। 15 अप्रैल को 84% हो गया, 4 मई को 83% है, लॉकडाउन 4 पे 18 मई को 84% हो गया, यानी लोकप्रियता पीएम मोदी की लॉकडाउन लगाने से बड़ी है, ताली थाली से बड़ी है, दिया जलाने से बड़ी है। अब आप देखिए अनलॉक 1 82% पे थे, बिहार के टाइम पे चुनौती मिली, लोकप्रियता कम हुई, 72 पे आई। नवंबर वही सिंघू बॉर्डर का प्रोटेस्ट किसानों का 74% पर है, जो आज कम होकर 71% पे आ गई है। यानी केंद्र सरकार की लोकप्रियता भले ही कम हुई 66 पे आई, पर पीएम मोदी की लोकप्रियता 71% पर बरकरार है, लगभग वही स्थिति है जो एक साल पहले दिखाई देती थी। इसको कैसे समझ में आना चाहिए यशवंत, कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहिए? देखिए मैंने जैसा कि बताया कि जिस समय उन्होंने कड़े निर्णय कुछ लिए, इस देश के नागरिकों ने हमेशा
उनके साथ में उनके निर्णयों का सम्मान लेते हुए उनको अपनी ओर से पूरा समर्थन दिया है। ये देश की जनता की बड़प्पंदी है। निर्णय सही हुए गलत हुए डिमोनिटाइजेशन को लेकर के आज तक बहस चल रही कि निर्णय सही था या गलत था, लेकिन देश की जनता ने उसको समर्थन दिया। वो समर्थन और वो ट्रस्टवर्दीनेस विश्वसनीयता प्रधानमंत्री मोदी की बरकरार है, ये बात सारे सर्वे में आ रही है, इसमें कोई कहने में संदेह नहीं। लेकिन जब जब वहां पर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा फंस जाता है, पंजाब में हम देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग पहली बार देश में कोई राज्य है जहां पर नेट नेगेटिव प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी रही है, तो किसान के मसले के ऊपर वहां के लोग नाराज हो गए। कहीं ना कहीं इस बात का अब मुझे लगता है कि अंदेशा होना चाहिए और इस बात की क्लैरिटी आनी चाहिए कि देश में तीन लेयर है गवर्नेंस की, लोकल, स्टेट और केंद्र। केंद्र के पारी में, केंद्र के मैच में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी बहुत आगे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन 30 राज्यों के जो छोटे वाले मैच हैं वहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर जितना ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है एक काउंटर बैलेंस, एक नैरेटिव का वहां पर भी डेवलप हो रहा है, फैक्ट का वहां पर भी डेवलप हो रहा है, और इन दोनों ही चीजों को बराबरी सत्यता के साथ में ही तोलना ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर है, देश की जनता का उनको समर्थन है, देश की जनता उन पर विश्वास करती है, इसमें अभी तक एक सत्य है जो 6 साल से चला आ रहा है। फिलहाल इस सर्वे में भी उस सत्य में कोई नया बदलाव नहीं दिखता। ABP News, आपको रखे आगे।